Hello students, welcome to ixamBee. I am Karan Sardana. Students, जैसा कि आप जानते हैं, एक बहुत बड़ी वैकेंसी आप सबके लिए आई है. ESIC के अंदर 3800 से ज्यादा वैकेंसीज निकली हैं. सो इसकी जो कंप्लीट डिटेल्स है, सारी नोटिफिकेशन के अंदर जो भी चीजें हैं, उसका वीडियो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है. अगर आपने इसकी जानकारी अभी तक नहीं ली है तो उस वीडियो को जरूर देखें. उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप ऊपर आई बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं. ESIC में काफी सारी पोस्ट निकली हैं, 3800 से ज्यादा पोस्ट निकली हैं और ये हर लेवल के लिए निकली है, 10th लेवल के लिए, 12th लेवल के लिए और इवन ग्रेजुएशन के लिए भी निकली है. 10th लेवल के लिए MTS निकली है, मल्टीटास्किंग स्टाफ. 12th के लिए स्टेनोग्राफर की पोस्ट निकली है और ग्रेजुएशन के लिए UDC यानी कि अपर डिवीजन क्लेरिकल वाली जो पोस्ट है वो यहाँ पे निकली है. तो स्टूडेंट, ESIC UDC पिछली बार जो हुआ था उसका एक बार पैटर्न देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आए थे, पैटर्न क्या रहा था, उसका आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. एंड हमारी वेबसाइट पे ixamBee पे सारे मॉक टेस्ट फ्री हैं, तो इस पेपर का जो मेमोरी बेस्ड पेपर था वो भी हम लोग कल लेके आएंगे आपके लिए. तो मोस्ट प्रोबेबली वो कल तक लाइव हो जाएगा, तो आप उसे हमारी वेबसाइट पे जाके पास्ट ईयर पेपर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो स्टूडेंट, बात करते हैं पिछली बार जब 2019 में ये लास्ट एग्जाम हुआ था तो उसका एग्जाम का एनालिसिस देखते हैं कि कितने कितने टाइप के क्वेश्चंस आए थे और क्या क्या आए थे. पहले मैं आपको बता दूं कि जो इसका पेपर पैटर्न है वो ज्यादातर बैंकिंग और इंश्योरेंस के जिस टाइप से पेपर होते हैं उसी टाइप से ये पेपर बेस्ड होता है. आज से कुछ साल पहले ये SSC जैसे पैटर्न पे बेस्ड होता था, लेकिन अभी ये ज्यादा बैंकिंग की तरफ आ गया है. तो आपको मैं बता दूं कि इस साल जो लगभग 3800 वैकेंसी आई हैं, उसमें से अपर डिवीजन क्लेरिकल की जो वैकेंसी है वो 1700 से भी ज्यादा वैकेंसी है, जिसकी एलिजिबिलिटी सिर्फ ग्रेजुएशन है और एज लिमिट आपकी होनी चाहिए बिटवीन 18 to 27. एज ऑन 15 February 2022 तक आपकी एज इतनी होनी चाहिए और एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. इसकी वीडियो हमने डिटेल बना रखी है, अगर आप वो देखना चाहें तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा, उसे देख लीजिए कंप्लीट डिटेल्स के लिए. चलिए बात करते हैं, ये जो एग्जाम होगा इसके एग्जाम पैटर्न की. तीन फेज में एग्जाम होगा, फेज 1, फेज 2 एंड फिर आपका फाइनली एक फेज 3 होगा. तो फेज 1 यानी कि जो प्री है उसके अंदर आपके पास 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें रीजनिंग, GA, क्वांट और इंग्लिश आएगा. 25 क्वेश्चन ईच में से पूछे जाएंगे और 50-50 मार्क्स के लिए होगा, यानी कि 200 नंबर का पेपर होगा और सिर्फ एक घंटे में आपको ये 100 क्वेश्चन करने हैं. अगर बात करें मेंस एग्जाम में भी फिर से ये सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, रीजनिंग, GA, क्वांट, इंग्लिश. इस बार यहाँ पे डबल क्वेश्चन आएंगे, 50-50 क्वेश्चन आएंगे, 200 क्वेश्चन आएंगे 200 नंबर के लिए और 2 घंटे के लिए आपको यहाँ पे मिलेगा टाइम. तो वहां 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करने थे प्री के अंदर, मेंस में आपको जो है 2 घंटे में 200 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है. तो स्टूडेंट, ये है इसका एग्जाम पैटर्न. इसके बाद आपका एक थर्ड स्टेज भी होगा जो कि कंप्यूटर स्किल होगा या कंप्यूटर टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो सकता है. यहाँ पे एक चीज बता दूं कि दोनों प्री या मेंस के अंदर अगर बात करें तो इसमें आपको 45% आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, राइट. तो ये आपको मिनिमम 45% लाने ही पड़ेंगे, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है. क्वालिफाइंग मार्क्स इन फेज 1 एंड फेज 2 विल बी 45% फॉर यूअर कैटेगरी, यानी कि अनरिजर्व जनरल के लिए आपको इतने लाने पड़ेंगे, ये मिनिमम है, ठीक है. बाकी अगर पिछले वाला प्री देखा जाए तो ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स फाइनली मेरिट में नहीं होंगे, लेकिन जो मेंस के एग्जाम होंगे उसका फाइनल सिलेक्शन में मेरिट बनेगा. तो फाइनली आपका जो मेंस का एग्जाम है वो और जो आपका थर्ड फेज होगा, यानी कि कोई आपके पास एक कंप्यूटर टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट जो होगा, उसके और मेंस के मार्क्स मिला के आपका फाइनली ये सिलेक्शन होगा. तो स्टूडेंट, बात करते हैं जब 2019 में जब UDC का एग्जाम हुआ था तो उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे वो देख लेते हैं. तो सबसे पहले सेक्शन लेते हैं आपका रीजनिंग का, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग. हम बात कर रहे हैं प्री की, तो प्री में क्या क्या आए थे वो देख लेते हैं. 25 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिले थे. कुछ क्वेश्चन अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के थे, जो आपके पास अल्फा सिंबॉलिक न्यूमेरिक सीरीज आती है, काफी इजी होती है ये सीरीज. 5 क्वेश्चन आए थे. अगर मैं लेवल की बात करूं तो पेपर रीजनिंग का इजी था, कुछ ही क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे,
तो पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट के बीच में था। 5 क्वेश्चन आपको इस सीरीज वाले चैप्टर से मिले। पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट काफी ज्यादा आती हैं, तो 25 में से 10 क्वेश्चन इसके थे। सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट आया था आपका, डे जो शेड्यूलिंग बेस्ड होता है वो, और बॉक्स पेज आपका पजल आया। आपको 10-11 क्वेश्चन इसके मिले थे। इसका लेवल बहुत डिफिकल्ट नहीं आया, इजी मॉडरेट। एंड फिर डायरेक्शन के आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिले। सिलॉक्स के 3-4 क्वेश्चन आए। रैंकिंग बेस्ड 3-4 क्वेश्चन आए, बेसिकली ये ऑर्डर एंड रैंकिंग है। एंड अल्फाबेट वाला और पेयर वाला और लेटर वाला जो एक एक मिसलेनियस क्वेश्चन आता है ये आए। तो नॉर्मली अगर आप देखेंगे किसी भी बैंकिंग एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो 25 क्वेश्चन इसके आपको मिले। लेवल इज नॉट वेरी डिफिकल्ट प्री का। अब बात करते हैं क्वांट सेक्शन की। क्वांट में जो 25 क्वेश्चन आए थे उसमें आपको नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन देखने को मिले थे 2019 में, और सिंप्लीफिकेशन के काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिले, 7-8 क्वेश्चन। तो ये तो बहुत ईजी पार्ट हो गया कि हमें 11-12 क्वेश्चन बहुत इजी मिल गया इसके अंदर। इसके अलावा एक ही डीआई यहाँ पे पूछा गया, उसका लेवल इजी टू मॉडरेट था, और जो अरिथमेटिक है उसके लगभग 7-8 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए। तो एक डीआई आया है। अब जरूरी नहीं है कि यही आएगा, हो सकता है इस बार 2 डीआई पूछ ले, अरिथमेटिक कम कर दे, तो ये हो सकता है ऐसा। तो यहां से आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपको सब पे काम करना पड़ेगा, सीरीज में, सिंप्लीफिकेशन में, डीआई में और अरिथमेटिक में। इवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पेपर में पूछा जाता है। आगे बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में जो 25 क्वेश्चन आए थे इसका भी लेवल जो है वो इजी टू मॉडरेट था। आरसी की बात करें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक आया था, स्टोरी बेस्ड पूछा गया था, 6 क्वेश्चन इसके आए थे। सेंटेंस रीअरेंजमेंट के 5 क्वेश्चन आए थे। क्लोज टेस्ट के 4-5 क्वेश्चन आए थे। एरर डिटेक्शन के 5 क्वेश्चन आए थे। इसके अलावा सिंगल फिलर के 3-4 क्वेश्चन आए थे। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट है। फिलर्स काफी आसान थे, बाकी सब में थोड़ा सा टाइम लग रहा था। तो इंग्लिश का पेपर इजी टू मॉडरेट लेवल का ही था। आगे बात करते हैं जीए की। आपको पता है कि यहाँ पे 25 क्वेश्चन जीए के भी आते हैं। नॉर्मली जब आप किसी बैंक या इंश्योरेंस का प्री देते हैं तो उसमें मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश आता है। ESIC का जब आप पेपर देते हैं तो आपको प्री में एज वेल एज मेंस में, दोनों में आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश के साथ साथ जीए भी मिलेगा। तो यहाँ पे एक नई चीज जो आपको पढ़नी पड़ेगी कि प्री के लिए भी आपको जीए की तैयारी करनी पड़ेगी, और यही सबसे ज्यादा गेम चेंजर होता है। जो बच्चा करंट अफेयर अच्छे से पढ़ के जाता है वो इसमें अच्छे नंबर ले आएगा। कोई स्टूडेंट इसमें से सिर्फ 5 मार्क्स लेके आता है और कोई इसमें 20-22 भी लेके आ जाता है। तो इट्स अप टू यू कि कितना आप पढ़ते हैं। वैसे इस करंट अफेयर में पेपर से 4 मंथ से पहले का सारा लगभग करंट अफेयर पूछा जाता है, नॉर्मली 4-5 मंथ्स, और 3-4 महीने का तो बहुत जरूरी हो जाता है करना। तो किस टाइप के क्वेश्चन करंट अफेयर में ज्यादा आते हैं, जो भी न्यू मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं उसके ऊपर, या जो भी करंट मिनिस्टर हैं वो पूछे जाते हैं, फुल फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, जो भी अभी रिसेंट सबमिट हुए हैं उसके ऊपर क्वेश्चन, स्पोर्ट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे, डैम के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, एक इंपॉर्टेंट डेज के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए थे, कोई भी नया अपॉइंटमेंट हुआ उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट स्कीम के ऊपर 1-2 क्वेश्चन आए, और जो भी जगह का नाम चेंज हुआ उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, बैंकिंग टर्म्स पे 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करेंसी पे 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कुछ एरिया थे जिससे क्वेश्चन पूछे गए। तो इन पे आप काम ज्यादा कर सकते हैं, और पिछला 3-4 मंथ्स का आपको करंट अफेयर्स पढ़ के जाना है। ये आपके प्री में भी काम आएगा और मेंस में भी काम आएगा, दोनों में आपको ये मिलेगा। तो स्टूडेंट, फ्री मॉक टेस्ट आपको फेज 1 के, प्री के, यूडीसी के मिल जाएंगे। थोड़े टाइम में मेंस के भी यहाँ पे टेस्ट मिल जाएंगे। अगर आप स्टेनो या फिर एमटीएस के लिए भी देख रहे हैं तो इसके भी फ्री मॉक टेस्ट आपको वहां पे मिल जाएंगे। पहला टेस्ट लाइव हो गया है और आप बाकी टेस्ट भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, कुछ डेट्स को आगे आने वाले डेट्स पे आपको मिल जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर आप इसके रिगार्डिंग कोई भी गाइडेंस, काउंसलिंग चाहते हैं, या फिर आप बेस्ट ऑनलाइन कोर्स देख रहे हैं इसके प्रिपरेशन के लिए, तो गूगल फॉर्म का लिंक आपके पास है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो उस लिंक को जरूर भरें। अगर आप वो फिल करेंगे तो हमारी तरफ से आपको कॉल जाएगा और आप जो भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं वो आपको मिल जाएगी, और अगर आप कोर्स के बारे में भी जानना चाहें तो वो भी आपको वहाँ डिटेल्स मिल जाएगी।
सो स्टूडेंट प्रैक्टिस करते रहिए. अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन. थैंक यू.